हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम देखने वाले हैं स्टॉक भेल। तो क्या हो रहा है इस भेल में? आज अगर हम देखें तो ये इसने हाई लगाया 72.70 का और इसका क्लोजिंग हुआ है 69.50 पे। अगर हम इसका डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट में हमको ये दिख रहा है कि इसने हाई लगाया 80 का और उसके बाद यहाँ पे आया सेलिंग प्रेशर और उसके बाद ये धीरे 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 नीचे ही आ रहा है। अगर ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं तो ये एक्ट कर रही है एज अ रेजिस्टेंस, और ये जो दूसरी ट्रेंड लाइन है जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अब ये कर रही है सपोर्ट का काम। तो जितनी बार भी स्टॉक 68 के लेवल पे आता है वहां से ये बाउंस दे रहा है, फिर से यहाँ पे 68 के लेवल पे आया और यहाँ से उसने बाउंस दिया और ये क्लोजिंग हुई उसकी ग्रीन कैंडल में जो कि रेजिस्टेंस के ऊपर ही है। अब देखते हैं कि वीकली चार्ट में क्या हो रहा है। वीकली चार्ट में हम देखते हैं कि बेल यहाँ से गिरता हुआ आया, इसने लो लगाया 20 का और उसके बाद इसने स्टार्ट किया रिवर्सल, लेकिन ये फिर से जब भी 80 पे आया उसको मिला सेलिंग प्रेशर और वहां से ये नीचे आया और उसके बाद फिर से 80 पे जाके ये थोड़ा नीचे आया है। अब ये जो 80 का जो लेवल है ये उसको एक्ट कर रहा है एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, बट ये जो ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये एक्ट कर रहा है एज अ सपोर्ट। तो जितने बार भी ये सपोर्ट पे आता है ये यहाँ से बाउंस दे रहा है और ये बना रहा है हायर लोज। अगर हम इस पैटर्न को अगर रीड करें तो ये पैटर्न बनाता है एक कप एंड हैंडल। तो ये जो कप एंड हैंडल का पैटर्न है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है और इसके हिसाब से जब भी ये कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेक करेगा तो ये देगा ब्रेकआउट और उसके टारगेट क्या रहेंगे। तो जब ये ब्रेकआउट 80 का लेवल ब्रेक करेगा उसके बाद हमको फर्स्ट टारगेट मिलेगा 108 का, और उसके बाद अगर ये 108 सस्टेन करता है तो सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 123 का। बट अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक्ट करेगा एज अ सपोर्ट और वहां से ये फिर से बाउंस बैक देगा। तो अगर आप लंबे निवेशक हैं तो होल्ड करके रखिए, और अगर आपने ट्रेडिंग के हिसाब से बेल लिया है तो इसका स्टॉप लॉस ये जो ट्रेंड लाइन है 68 के आसपास आप लगा सकते हैं। बट अगर आप लंबे निवेशक हैं तो जरूर इसमें इन्वेस्ट करके रहिएगा क्योंकि ये जो न्यूज आ रही है वो भेल के लिए बहुत अच्छी है। जो फर्स्ट न्यूज है ये है IRCTC का पार्टनरशिप भेल के साथ, तो इन दोनों का पार्टनरशिप होने वाला है, दोनों वर्कआउट करने वाले हैं न्यू प्राइवेट ट्रेन्स पे जो कि बहुत अच्छी खबर है भेल के लिए। इसके साथ ही जो इसका थर्ड और फाइनल यूनिट कंप्लीशन हुआ है जो बायरा में है वो भी पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, जबकि इसके फर्स्ट और सेकंड यूनिट थे वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं 2019 और 2020 में। प्लस इसके साथ एक जो प्राइवेटाइजेशन की न्यूज आ रही है वो भी भेल के लिए बहुत अच्छी है। जो लिस्ट ऑफ PSU है जिसका प्राइवेटाइजेशन होने वाला है उसमें भेल भी इंक्लूडेड है। सो ये ऑल न्यूज जो है ये बेल के लिए बहुत अच्छी है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेल एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है जो सिर्फ 100 और 123 के आसपास नहीं रुकेगा तो 200 के लेवल्स भी इसमें मिल सकते हैं। अब अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। आज निफ्टी ने ग्रीन कैंडल बनाया है जो कि स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों स्ट्रांग रहेंगे तो डेफिनेटली जो गुड क्वालिटी स्टॉक है वो भी बाउंस बैक देंगे। तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि भेल 80 क्रॉस करें और उसके बाद जो ब्रेकआउट रहेगा वो इसको बहुत अच्छे लेवल्स पे लेके जाएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, इस पे अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। And see you all in the next video. Thank you all.